कभी होटल में काम करती थी वाणी कपूर, ऐसी मिली फिल्म में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। जी हाँ फ्रेंड्स, वाणी कपूर सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। बेल बॉटम की अभिनेत्री वाणी कपूर अपने आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बिजी हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में शमशेरा है, जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ दिखाई देंगी, जबकि चंडीगढ़ कड़े आशिकी में आयुष्मान खुराना उनके साथ होंगे। साल 2013 में फिल्म शुद्ध देशी रोमांस से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस वाणी कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दिवंगत अभिनेत्रा सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक्टिंग कैरियर की शुरुआत करने वाली वाणी कपूर ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बॉलीवुड के तमाम बड़ी अभिनेत्राओं के साथ काम कर चुकी हैं, चाहे रणवीर सिंह हो या फिर ऋतिक रोशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी एक्टिंग से सभी को खुश किया है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वाणी कपूर का पहले कभी बॉलीवुड से कोई नाता नहीं रहा। वह फिल्मों में आने से पहले होटल में काम किया करती थी। जानिए कैसे वाणी कपूर ने दिल्ली से लेकर बी टाउन तक का शानदार सफर किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। फ्रेंड्स, वाणी कपूर का जन्म 23 अगस्त को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का शिव कुमार का दिल्ली में फर्नीचर एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जबकि मां डिम्पी कपूर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती हैं। वाणी कपूर ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली से ही की है। फ्रेंड्स, वाणी कपूर ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से टूरिज्म में बैचलर डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने टूरिज्म की पढ़ाई के बाद जयपुर के ओबेरॉय होटल्स एंड रिसॉर्ट में इंटर्नशिप की और फिर उन्होंने ITC होटल में भी काम किया था। फ्रेंड्स, वाणी कपूर ने होटल का काम छोड़कर मॉडलिंग में अपना लक आजमाना चाहा तो उनके पिता मॉडलिंग के खिलाफ थे, लेकिन उनकी मां ने वाणी का साथ दिया, जिसके बाद उन्हें फेमस फैशन डिज़ाइनर ने रैंप वॉक करने के लिए और टेलीविज़नों में अभिनय करने का मौका मिला। जी हाँ फ्रेंड्स, वाणी कपूर के करियर को बढ़ावा देने के लिए मुंबई का रुख लिया और कई ऑडिशन दिए, जिसके बाद उन्हें शुद्ध देसी रोमांस में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था। वाणी अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।